सर्च करें जस्ट सीखो चैनल को और देखें जस्ट सीखो के सारे वीडियो को। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और भाई शेयर जरूर करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जस्ट सीखो। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे दोस्तों आप अपने कंप्यूटर में दोस्तों जियो सिनेमा चला सके। दोस्तों सिंपल दोस्तों, आपको सबसे पहले दोस्तों आपको अपने कंप्यूटर में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है नॉक्स प्लेयर, ठीक है दोस्तों। उसे डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल करना होगा और इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको वहां पे दोस्तों जियो का जो एप्लीकेशन है जियो सिनेमा दोस्तों, उसे दोस्तों अपने कंप्यूटर में उसका जो फाइल दोस्तों वहां जाकर प्ले स्टोर में जाकर पहले दोस्तों उसको आप एक बार सर्च करें, ठीक है, जियो सिनेमा, ठीक है, और उसके बाद उसे डाउनलोड कर लें। लेकिन दोस्तों उससे पहले दोस्तों आपको जाना होगा सेटिंग में और देख सकते हैं दोस्तों जैसे जैसे मैं जा रहा हूँ, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ का जो जाना है साउंड में दोस्तों, ठीक है, साउंड में दोस्तों आपको साउंड को मैनेज करना है क्योंकि दोस्तों जब आप दोस्तों नॉक्स प्लेयर इस्तेमाल करेंगे दोस्तों तो वहाँ पर जो साउंड होता है दोस्तों पहले म्यूट किया रहता है, ठीक है। यहाँ से आपको कम या बेसी कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आप नॉक्स प्लेयर में जाकर साउंड को आप देख ले, ठीक है, कम है तो उसे आप बढ़ा दें। उसके बाद प्ले स्टोर में जाएं और सिंपल दोस्तों जियो सिनेमा सर्च करें और उसे डाउनलोड करें और फिर दोस्तों जियो सिनेमा को दोस्तों देख सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा दोस्तों कि आप यहाँ पे कैसे दोस्तों HD में भी दोस्तों मतलब बिल्कुल HD क्वालिटी का दोस्तों आपको कोई भी मूवी है दोस्तों जो जियो सिनेमा में है आप देख सकते हैं दोस्तों, या फिर कोई एपिसोड है वो भी दोस्तों यहाँ पे उपलब्ध है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं दोस्तों, जैसे बिग बॉस है या फिर क्रिकेट है दोस्तों, उसका भी मज़ा आप यहाँ पे सीधे ले सकते हैं डायरेक्ट। और हॉलीवुड बॉलीवुड मूवी है दोस्तों, वो भी ले सकते हैं। जो सिनेमा दोस्तों काफ़ी अच्छा है दोस्तों, इसका दोस्तों मज़ा कंप्यूटर में लेने का ही मज़ा कंप्यूटर में लेने का कुछ अलग ही अंदाज मतलब अच्छा लगता है क्योंकि ये यहाँ पे मतलब अच्छा लगता है यहाँ पे देखने में। और हम लोग सोचते हैं कि कैसे हम इसे इस्तेमाल करें, मैं भी सोच रहा था तो मैंने ट्राई किया तो मेरे कंप्यूटर में यहाँ मैंने इसे डाउनलोड किया, उसके बाद मैंने इसे प्ले किया तो ये इजीली तरीके से डाउनलोड हो गया और प्ले भी हो गया। देख सकते हैं दोस्तों मैं यहाँ पे आ चुका हूँ दोस्तों और मैं आपको दोस्तों एक मूवी प्ले करके यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग किसी एक मूवी का जो एग्जाम्पल है यहाँ पे लेते हैं और दोस्तों आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पे कोई मूवी लेते हैं, इस मूवी को लेते हैं, ठीक है। अभी दोस्तों मेरा शायद नेट स्लो है, इधर दोस्तों नेट स्लो ही रहता है पता नहीं दोस्तों क्यों, और दोस्तों ये सर्चिंग ले रहा है, ठीक है। जब ये चलेगा तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि इसका क्वालिटी देखिए कितना हैवी है। और दोस्तों चाहें दोस्तों आप इसे पूरा फुल स्क्रीन भी कर देंगे तो भी इसकी क्वालिटी में कोई भी अंतर नहीं आएगा। देख सकते हैं दोस्तों ये जो है ओपन हो चुका है दोस्तों, मैंने साउंड किया हुआ है दोस्तों, आपने देखा था, ठीक है, मैं वहाँ पे साउंड को मैंने म्यूट कर दिया था। अब देख सकते हैं दोस्तों मैंने इसे फुल स्क्रीन कर दिया है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आप भी दोस्तों फुल स्क्रीन कर देंगे और दोस्तों आप क्वालिटी सेटिंग पर क्लिक करके आप क्वालिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। एक बार दोस्तों मैं यहाँ पे हाई पे क्लिक करके आपको दिखाने वाला हूँ कि दोस्तों आप यहाँ हाई में दोस्तों इसका जो क्वालिटी है कितना हैवी है दोस्तों, इसका क्वालिटी दोस्तों मैं आपको दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा तो चला के नहीं दिखा सकता दोस्तों, फिर दोस्तों गूगल की तरफ से कॉपी राइट आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे इस कर सकते हैं आपका जो भी लैंग्वेज है, ठीक है, आप अपने हिसाब से चुन भी सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो है फीचर भी दिया हुआ है जियो की तरफ से, जो जियो सिनेमा जैसे हम लोग मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल वैसा ही आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी दोस्तों यहाँ पे दोस्तों क्लिक करके दोस्तों आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं जब आप देखते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप अपने कंप्यूटर के दोस्तों ESC दोस्तों एक होता है दोस्तों, उसे क्लिक करके दोस्तों उसे मिनिमाइज कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यही दोस्तों, ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आप दोस्तों अच्छे तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे दोस्तों इसका आनंद लीजिए दोस्तों, अपने यहाँ पे नॉक्स प्लेयर को इंस्टॉल करके उसके बाद उसमें जियो जियो
सिनेमा को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद इसका आनंद लीजिए दोस्तों। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।